के रोहन त्यागी भी आप छोड़कर आए सपा में। मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी साजिद हसन ने बताया कि अन्य दलों से लगातार सपा में आने को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सपा कार्यालय पर सपा जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी व अन्य सपा नेताओं के समक्ष आप छोड़कर सपा की सदस्यता ग्रहण की। सपा जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने घोषणा करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता व जिला उपाध्यक्ष रोहन त्यागी ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की विकास व सबको सम्मान देने की नीति से प्रभावित होकर अपने दर्जनों आप कार्यकर्ताओं के साथ सपा में आने का निर्णय लिया है। प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने कहा कि रोहन त्यागी व उनके साथी कार्यकर्ताओं के सपा में आने से मिशन 2022 सपा सरकार लाने में मजबूती मिलेगी। रोहन त्यागी ने कहा कि यूपी को केवल अखिलेश यादव जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो नफरत की राजनीति को विकास की नीति से परास्त करने की ताकत रखते हैं। प्रत्याशी का करा दिया तो आप ये देखो प्रशासन के दुरुपयोग की कुछ सीमा है। ये तो एक जिला पंचायत मेंबर है, महिला है, गरीब है, वहाँ कैंडिडेट को और पार्टी के हमारे जिला उपाध्यक्ष रहे हैं रोहन त्यागी, उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में उनके कुछ साथी हैं तुषार जैन, अनुराग पाल, राहुल त्यागी, अनुज त्यागी, नरेंद्र त्यागी, आबाद त्यागी, पवन त्यागी, कुमार गौरव सिद्धार्थ, मयंक शर्मा और सैकड़ों कई दर्जन लोग हैं जो बाहर बैठे हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र देकर के आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते रोहन भाई का, इनके सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं विश्वास है मुझे और कि इनके आने से जनपद में समाजवादी पार्टी मजबूत होगी और हमारे 2022 के चुनाव में हमें समाजवादी पार्टी को इनकी पार्टी में सक्रियता का लाभ मिलेगा। अध्यक्ष जी, दो दिन पहले आपने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया था जरीन वार्ड सभा उसके लिए, कल उन्होंने शामिल हो गए समर्थन। देखिए, हमने धरना क्यों दिया था सभी विपक्षी पार्टियों ने कि भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है सरकार का, प्रशासन पर दबाव बना रही है और हमारे सदस्यों को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। उसका उदाहरण सिद्ध हो गया, उनके खिलाफ एक मुकदमा उनके प्रतिष्ठान बंद 307 की एप्लीकेशन परसों दी गई। मैं जो बता रहा हूँ आपने लिखा भी है संदीप भाई ने, मैं इनका पढ़ रहा था कमेंट्स में, उस कमेंट्स के बारे में भी कहता हूँ। 307 की परसों एप्लीकेशन थाना मंडी में और चारों भाइयों के खिलाफ दी गई और ये कहा गया जेल भेजे जाएंगे, तुरंत आपकी मेंबरशिप खत्म की जाएगी। तो जिस तरीके से दबाव बनाते हैं, एक आदमी के दबाव सहने की एक क्षमता होती है। आदमी सामाजिक तौर पर, मेरी महिला भी जेल जाएगी, मेरा बिजनेस बंद कर दिया गया, बहुत साहसिक लोग हैं जो इस दबाव को झेल पाएं। जिस तरह से आप लोग दावा कर रहे थे कि विपक्ष एक है, मजबूती से लड़ाई लड़ेगा, क्या? हाँ, तो विपक्ष एक है ही, विपक्ष से लड़ाई नहीं लड़ रहा, जनतंत्र में हम क्या करें, क्या हिंसा करें हम भी उनकी तरह? हमारे केस है तो डीएम एसएसपी कार्रवाई नहीं कर सकते। पार्टी के नेता अर्जुन पहलवान के द्वारा ये पूरी रणनीति तैयार की गई, तो किस तरह की पार्टी निष्कासित करेगी? समाजवादी पार्टी से तो टिकट अजीत भी मांग रहे थे जिन्होंने FIR की है। अगर व्यक्ति का चरित्र ऐसा है जिसने FIR कराई है 420 की अजीत ने, वो भी समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे। ये तो मैं कहता हूँ, सर्वाधिक लोगों की कौन सी मानी है? जिन लोगों ने समाजवादी, मैं किसी व्यक्ति को सर्टिफिकेट देने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ। अवसरवादी लोग हर जगह हर स्थान पर जिंदा हैं। जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी की है तो उन्हें पार्टी का निर्णय लेगी, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई के नियम है उसमें? ये ऐसा है, जांच करा करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम क्या कर सकते हैं, उनकी पार्टी मेंबरशिप निलंबित कर सकते हैं, हम FIR तो हमारे नहीं कर सकते ना, FIR हमारे कहीं से कोई दर्ज करेगा तो नियाज को भी पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। अब ये कार्रवाई सलाह से की जाएगी, ऐसे नहीं की जाती। हम तो अर्जुन को भी करेंगे, अजीत को भी करेंगे, नियाज को करेंगे, लेकिन बैठ के जांच करके सब कार्रवाई करेंगे।
दिक्कत ये है, जिसने FIR कराई है उसके खिलाफ, वो भी समाजवादी से टिकट मांग रहा था, अजीत भी। कहाँ कहाँ तक जवाब दे मैं, किस किस को जवाब दे मैं? अब व्यक्ति के चरित्र को तो मैं तय नहीं कर सकता ना। आपके पत्रकारों में बहुत से लोग बहुत गलत काम करते हैं, आप उनकी जिम्मेदारी ले लोगे क्या? बताइए, हर अपनी तो ले सकते हैं जी। तो हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे लोग लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी लड़ेंगे, हम प्रमुखी में भी हम लड़ाई लड़ेंगे। पता लगा जिस BDC के लिए हम प्रमुखी में लड़ाई लड़ रहे हैं वो BDC पर टूट जा, तो उसकी हमारी, हमारा तो सिद्धांत के लिए लड़ने की जिम्मेदारी है। हम BJP की जातियों के खिलाफ, प्रशासन के दुरुपयोग करने के तरीके के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, फिर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। अब अगर व्यक्ति दबाव आगे टूट जाता है तो हम क्या करें?